अनिल सकरवाल और अपने कक्षा 11 के चैप्टर संख्या 4 में चल रहे थे। चैप्टर संख्या 4 हमारा पूरा हो चुका है। अब कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं उससे संबंधित हम बातें करते हैं, कुछ 2-4 न्यूमेरिकल करके देखेंगे। बाकी जो आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप खुद भी एग्जांपल या एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व करके देखें, थोड़ा प्रैक्टिस करें, जिससे आपके डेरिवेशन भी क्लियर होंगे और जो कंसेप्ट जहां दिक्कत है समझने में वहां दिक्कत जो है वो भी क्लियर होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसलिए न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है फिजिक्स के अंदर, जो न्यूमेरिकल पार्ट को सोल्व करता रहता है साथ साथ उसका थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाता है और जो कॉन्सेप्ट समझ में आने हैं वो सारे समझ में भी आ जाते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर स्क्रीन पे कि अपने को दे रखा है, एक फुटबॉल का खिलाड़ी गेंद को क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर उछालता है। तो अपने क्या दे रखे हैं कि इनिशियल वेग दे रखा है, प्रारंभिक वेग कितना है, यू का मान दे रखा है, यू का मान 50 मीटर पर सेकंड का वेग, थीटा का मान कितने डिग्री पर फेंकता है वो 30 डिग्री पर उस बॉल को ऊपर उछालते हैं। अब हमें ज्ञात करना है इसके अंदर गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी ऊंची जाएगी गेंद और उसकी परास अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने में लगा समय, गेंद का हवा में रहने का कुल समय, और लिखा हुआ है जी का मान हम कितना ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। तो देखो इसके अंदर हमसे जो हमने प्रक्षेप्य गति की थी सारी बातें पूछ ली हैं, तो उसकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, यानी एक क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे तो उसके अंदर सारी बातें हम सोल्व कर चुके होंगे कि क्या क्या हमें इसमें बताना है। देखो इसमें सबसे पहली बात हमें सोल्व कर रहे हैं इसके अंदर क्या कि गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, क्वेश्चन आप लिख लें पहले साथ साथ सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, खुद सोल्व करके देखें। जी का मान आपको क्या रखना है, यहाँ जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फुट इसमें करना है। अब अपने को ये तीन बातें दी गई हैं अधिकतम ऊंचाई के लिए, देखो सारे फॉर्मूला बेस्ड है, कोई नहीं ज़्यादा बड़ी टिपिकल बात नहीं है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है वो अपने पास यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g वैल्यू पुट कर दे। अब इसके अंदर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, तो साइन 30 की जो वैल्यू हमें पता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन स्क्वेयर थीटा है तो इसका स्क्वेयर कर देंगे यानी 1/2 का स्क्वेयर करेंगे तो 1/4 हो गया। सारी वैल्यू पुट कर लो, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, तो कोशिश करें कैलकुलेशन खुद ही कर लें, हम यहाँ ज़्यादा गुणा भाग में टाइम खराब नहीं करेंगे। तो U का मान 50 है, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन ज़्यादा टिपिकल नहीं होती है क्वेश्चंस के अंदर, केवल हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और एग्जाम में जो आते हैं उनमें तो और भी सिंपल कर दी जाती है, ज़्यादातर वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 / 2 × 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया ये, ठीक है, और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 आ जाएगा, और फिर इसको डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करके और भाग दे दो, ये 25 आ जाएगा, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, 125 में किसका डिवाइड कर दो, 4 का डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आए वो आप देख लेना क्या आता है, वो इसका रिजल्ट हो जाएगा। दूसरी बात इसमें पूछी गई है कि गेंद की परास, तो दूसरी बात के लिए क्या करो, दूसरा फॉर्मूला लगा दो गेंद की परास का, गेंद की परास, परास का मतलब अधिकतम क्षैतिज दूरी, आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो आर के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या फॉर्मूला होता है आर के लिए, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो और सिंप्लीफाई कर लो, अब इसको वैल्यू पुट कर दो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, वही 50 मल्टीप्लाई बाय 50, यहाँ 2 अंदर मल्टीप्लाई है, साइन 2 थीटा है तो 30 गुणा 2 साइन 60 हो गया, साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे 2, और भाग में जी है तो 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इनका मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड दे दो, यहाँ से इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, तीसरी बात पूछी है इसके अंदर अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने में लगा समय, ये हमने जब डेराइव किया था तो उसमें बात की थी कि अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने में लगा समय अलग है और उड्डयन काल अलग है। उड्डयन काल होता है कि मैक्सिमम फ्लाइट टाइम, जितने समय तक पार्टिकल एयर में रहता है वो उसका फ्लाइट टाइम है, और मैक्सिमम हाइट तक जो टाइम लगता है वो उसका हाफ लगता है, आधा लगता है।
दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो दोनों बातें याद करनी है हमें। ये भी पूछा है कि हवा में रहने में कितना समय लगेगा, और दूसरी बात ये भी पूछी है कि अधिकतम ऊंचाई का समय कितना लगेगा। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए जो समय आएगा उसका डबल होगा हवा में रहने में टोटल समय। अधिकतम ऊंचाई का समय T इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी होता है। वैल्यू पुट कर दो, यू 50, साइन 30 का मान 1/2 और जी का मान 10, कैंसिल आउट हो गया 5/2, 2.5 सेकेंड। और हवा में रहने में जो कुल समय लगा, हवा में रहने में लगा कुल समय, तो वो क्या होगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कैपिटल टी इज इक्वल टू 2t। और पूरा फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड आ जाएगा। ये इसका जो आंसर है वो आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनके अंदर हमें नॉर्मली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला पता हो और वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, क्या फाइंड आउट करना है और क्या हमें दे रखा है, दोनों बातें होंगी, उन दोनों को हमें अप्लाई करना है और फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि एक गेंद 15 मीटर पर सेकंड के वेग से 37 से 45 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है, गेंद की परास क्या है, गेंद को फेंकने के स्थान से पुनः उसी समतल तक आने का उड्डयन काल ज्ञात करो। तो अपने को प्रारंभिक वेग हमें दे दिए हैं, यू का मान कितना है 15 मीटर पर सेकंड, थीटा का मान दे दिया 45 डिग्री, दो बातें ज्ञात करनी है, क्षितिज परास ज्ञात करनी है, उड्डयन काल ज्ञात करना है। वैसे तो लिखा हुआ है लेकिन एक बात क्या रखिए, उसी समतल तक, उसी समतल का मतलब ये नहीं कि वहीं जाके गिर जाए पार्टिकल, कि जब हमने इसको 45 डिग्री फेंका गया, इस कोण पे फेंका है, तो ये ऐसे जाएगा पार्टिकल, ऊपर जाएगा फिर वापिस नीचे आएगा, गिरेगा तो कहीं और जाके। उसी समतल का मतलब है उसी उतनी ही ऊंचाई पर, जैसे यहां धरातल है समतल है, तो इसी समतल पर मतलब उसके सामने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा दें, वहां पर जाने में गिरने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो वही अधिकतम ऊंचाई का समय यू साइन थीटा अपॉन जी, और आगे पहुंचने का फिर उतना ही, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्षितिज परास के लिए r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, वो लगा देंगे। तो दोनों बातें सोल्व कर लेते हैं। परास की बात करें तो परास r इज इक्वल टू होता है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मान रख दो u का मान कितना है 15 × 15, और साइन 2 थीटा, साइन 45 को 2 से गुणा करेंगे साइन 90, साइन 90 का मान 1/10, ये कितना हो गया 225, 15 × 15 10 का भाग देंगे कितना आ गया 22.5 मीटर। ये तो आ गई क्षितिज परास। दूसरी बात याद करनी है इसमें क्या, उड्डयन काल टी, टी इज इक्वल टू क्या होता है, उड्डयन काल का मान होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहां से 2 × 15 प्रारंभिक वेग वही है 15, और साइन थीटा साइन 45 का मान 1/√2 भाग में जी का मान 10, तो कितना आ जाएगा ये 2 × 15 = 30, 30 में 10 का भाग देंगे 3 × √2, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें हमें फॉर्मूला पता हो, हम उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बंदूक से गोली क्षितिज से 15 डिग्री पर दागी जाती है तब इसकी परास 5 किलोमीटर प्राप्त होती है, बंदूक की मार्क दूरी की अधिकतम परास क्या होगी। पहले तो देख ले क्या दिया है, क्या पूछा गया है कि जब गोली दागी जाती है तो उसको कितने डिग्री पर दागी जाती है, थीटा का मान दे रखा है अपने को 15 डिग्री, और कितनी दूरी तक जाके गिरती है, आर का मान दे रखा है कितना 5 किलोमीटर। हमें एमकेएस का ध्यान रखना है, मीटर में बदलना है, तो कितना हो जाएगा 5000 मीटर, ये बात हमें दी गई है। अब हमें ज्ञात क्या करनी है कि उसकी अधिकतम जो परास है वो कितनी होगी, ये पूछा है अधिकतम परास। अब पहले तो बताओ भी परास क्या होती है, फिर बताओ भी अधिकतम क्या होती है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसा परास का फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया वो ये है कि आर मैक्सिमम इज आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है। अब ये तो क्या 15 डिग्री पर फेंका गया है, उसके अनुसार 5000 मीटर पे जाके गिरती है, लेकिन अधिकतम कितनी होगी, तो
तो अधिकतम के लिए हमें पता होना चाहिए कितने डिग्री पर फेंकना चाहिए। ये हम बात कर चुके हैं डेरिवेशन में कि साइन का अधिकतमान कोस का अधिकतमान एक होता है, तो इसका अधिकतमान एक कब आएगा, जब यहाँ 90 डिग्री होगा। 90 कब होगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा, तो 45 गुणा 2 कितना हो गया 90, साइन 90 का मान हो गया 1। और उस स्थिति में आर क्या हो गया, आर मैक्सिमम, तो थीटा 45 पर साइन 90 एक हो जाता है, और साइन 90 एक होने से आर मैक्सिमम हो जाता है, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, और वही हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, इनडायरेक्टली थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, आपको अधिकतम दूरी ज्ञात करनी है, अधिकतम परास ज्ञात करनी है, तो आपको यू स्क्वायर अपॉन जी ज्ञात करना है, यू स्क्वायर अपॉन जी ज्ञात करना है। अब फॉर्मूला अपने पास क्या है, अपने सामान्य स्थिति से यू स्क्वायर अपॉन जी ज्ञात कर सकते हैं। सामान्य स्थिति में क्या है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये तो हमने कंडीशन लगा के बता देख लिया कि हमें ज्ञात क्या करना है, पता चल गया। अब हमें यू स्क्वायर अपॉन जी ज्ञात करना है, तो यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर अपॉन साइन 2 थीटा, इधर आगे क्या आ जाएगा, भाग में चला जाएगा, बस ये इसका आंसर होगा। तो आर का मान कितना है, 5000 भाग में क्या आएगा, साइन 2 थीटा, थीटा का मान कितना है 15 डिग्री, 15 गुणा 2 करेंगे तो साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10,000 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, कितना 10 किलोमीटर। तो उसकी अधिकतम जो परास है वो तो कितनी है, 10 किलोमीटर है, तो वो 10 किलोमीटर अगर पूछे भी कब आएगा वो 10 किलोमीटर, तो जब उसको कितने डिग्री पर फेंके, 45 डिग्री पर, ये बात ध्यान रखें हमेशा, 45 डिग्री पर फेंकते हैं तभी सबसे ज्यादा दूरी पर जाके कोई पार्टिकल गिरता है, तो ये 45 डिग्री पर फेंकेंगे तब 10 किलोमीटर आएगा। उसके अलावा जिस कोण पर फेंकेंगे उस कोण के अनुसार जो भी मान है आर का वो आ जाएगा। अब 15 डिग्री पर फेंक रहे हैं तो उसके हिसाब से 5000 मीटर गिर रहे हैं। अब यूं कहते हैं भी अधिकतम के लिए कितने पर फेंकना चाहिए, तो भी आपको ध्यान रखना है अधिकतम के लिए, उसके लिए तो सीधा कुछ सोल्व नहीं करना है, अधिकतम के लिए ध्यान रखना है हमेशा 45 डिग्री पर ही फेंकना चाहिए। एक दो क्वेश्चन और बात करते हैं हम इसके अंदर आगे। नेक्स्ट आगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, समान परास के लिए एक पिंड को समान चाल से कितनी दिशाओं में कोणों पर प्रेक्षित किया जा सकता है, कितनी दिशाओं में प्रेक्षित किया जा सकता है, दो दिशाओं में हमेशा, एक्स में भी और वाई में, तो इसका जो रिजल्ट है वो कितना आएगा, दो दिशाओं में इसको प्रेषित किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, ये बात कर चुके हैं प्रक्षेप्य के पथ के समीकरण की, तो प्रक्षेप्य का पथ जो होता है वो परवल्यकार होता है, परवल्यकार, उसके लिए हमने फॉर्मूला डेराइव कर लिया था, तो वहां से जो रिजल्ट आते हैं वो परवल्य की समीकरण के अनुसार आते हैं, इसलिए परवल्यकार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई तथा क्षितिज परस्पर समान है, तब प्रक्षेप्य का प्रक्षेपण कोण क्या होगा, प्रक्षेप्य का प्रक्षेपण कोण क्या होगा। अब देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, कंडीशन दे रखी है हमें कि एक प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई और क्षितिज परास समान है, और कोण पूछा। अब अधिकतम ऊंचाई के लिए फॉर्मूला हमने निकाल रखा है, क्षितिज परास के लिए भी निकाल रखा है, दोनों को क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है, तो दोनों को बराबर कर दो, वहां से हमें टेन थीटा का मान पता चल जाएगा। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/4, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो सोल्व कर लो इसको, इसके लिए आपको कंडीशंस दे रखी हैं, आर का मान दे रखा है और क्षितिज परास और अधिकतम ऊंचाई, तो दोनों के फॉर्मूले हमें पता है, उनको सोल्व हम करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है इसको। इसके लिए क्षितिज परास आर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है अपने पास क्या, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ऑप्शन देखो टेन की फॉर्म में, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं, यू स्क्वेयर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, ये है ठीक है, इसी को क्या लिख देते हैं, साइन 2 थीटा लिख देते हैं। दूसरी बात, एच की वैल्यू क्या है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। अब दोनों मान बराबर हैं, क्या दे रखा है, ऊंचाई और परास बराबर है, तो दोनों को क्या कर दो, बराबर कर देंगे, तो बराबर लिख दो इनको, और टेन थीटा आ जाएगा, बस सोल्व कर लो उसको, ये आ जाएगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर
थीटा अपॉन टू जी, और ये आ जाएगा यू स्क्वेयर टू साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। बस सिंप्लीफाई कर लो इसको, यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा टू साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, कोस थीटा को इधर ले जाओ, टू को इधर ले जाओ, बस। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टू इंटू टू कितना हो जाएगा फोर, तो इस साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन थीटा इज इक्वल टू फोर, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स फोर, बस ये रिजल्ट है। तो अगर ऐसा ऑप्शन दे रखा हो तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, और ऐसा दे रखा तो ऐसा सेलेक्ट कर लो। तो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, जिनको आप सोल्व करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, किताबों में काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सोल्व करके देखें दो चार पाँच सात क्वेश्चन को, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी कोई दिक्कत आए तो आप इसमें लिख दें। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवाइज करें। थैंक यू।